Hey, what's up gamers? Welcome to MGTV Gamers YouTube channel. So, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि बेसिकली अगर आप सारे टिकट्स खोलते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के तीनों चेस्ट और बंकर अल्फा के तीनों चेस्ट अगर आप खोलते हैं तो आपको क्या मिलता है बेसिकली. तो आज हम देख लेते हैं कि आज बंकर अल्फा का कोड क्या है पहले, और उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने बैग में क्या क्या ले लिया है, बिकॉज मुझे ग्राइंड नहीं करना है बंकर अल्फा या पुलिस डिपार्टमेंट. जस्ट ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेशनल वीडियो है आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि अगर आप बंकर अल्फा के तीनों चेस्ट खोलते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के तीनों चेस्ट अगर तीनों टिकट्स एक्टिवेट करते हैं, मतलब पासेस एक्टिवेट करते हैं, तो आपको क्या क्या मिल सकता है. ओके, सो मैंने यहाँ पे मेरे बैग में ले लिया है एक स्कारल, एक M16 जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, और 20 medkits एक्स्ट्रा, और बेसिकली मैंने 30 रेड कूपन्स, 25 येलो कूपन्स और 20 ग्रीन कूपन्स ले लिया है हमारे चेस्ट खोलने के लिए. और मैंने सिर्फ एक पर्पल, एक ब्लू और एक ग्रीन ले लिया है ऑलरेडी. सो ये मेरे पहले के ग्राइंडिंग से मुझे मिल चुके हैं, तो वो एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है वीडियो का. सो लेट अस चेक आउट कि आज का बंकर कोड क्या है, एंड उसके बाद हम चलेंगे सीधा बंकर अल्फा की तरफ. सो आज का बंकर का कोड है 06923. ओके कूल, सो चलिए हम चलते हैं हमारी खूबसूरत चमकदार बाइक पे बैठ के बंकर अल्फा की ओर. तो हम ये चुपकी बजा के बंकर अल्फा पहुंच जाएंगे अभी. तो गाइस हम पहुंच गए हैं बंकर अल्फा. ये हमारी अच्छी खासी बाइक से उतर के हम सीधा अंदर की ओर जाते हैं. ये कौन मरा हुआ है ऑलरेडी? सो देखते हैं पहले क्या था कोड. सो हमें ओपन करना है यहाँ पे जाके, और हम कोड डालेंगे जो कि है 06923923. ओके, तो ये हमारा बंकर अल्फा खुल चुका है. चलिए, काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंदर जाके आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या क्या हमें आज मिलने वाला है रेड येलो एंड ग्रीन चेस्ट में. चलिए, सो हमें ये जॉम्बी को पहले हम मार देते हैं ताकि बाद में डिस्टर्बेंस नहीं हो. इसके अंदर भी एक जॉम्बी है, इसे भी हम मार देते हैं बिकॉज मज़ा आता है. चलिए, अभी नेक्स्ट एक जॉम्बी अंदर मिलेंगे, एक दो जॉम्बी उन्हें भी हम मार देंगे. चलो चलो, गो डाउन, यहाँ पर भी एक जॉम्बी है. ओके, हमें कुछ कलेक्ट नहीं करना है बेसिकली, सिर्फ हमें बॉक्सेस खोलने हैं और देखने हैं कि क्या क्या मिलता है यहाँ. ओके, सो मैं यहाँ पहले हमारे 20 ग्रीन टिकट्स फीड इन करूँगा. सो ये बॉक्स आ गया है, हम इसे अभी नहीं खोलेंगे, थोड़ी सरप्राइज रखते हैं, फिर हम खोलेंगे हमारा येलो बॉक्स. बॉक्स का कलर वैसे ग्रीन है बट येलो टिकट्स. ओके, यहाँ हम आ जाते हैं, बॉक्स का कलर है ब्लैक और टिकट का कलर है रेड. लेट मी ओपन दैट. ओके, सो गाइस आर यू रेडी? सो बेसिकली पहले आपको ये खोलना है या ये खोलना है. सो हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं और बता देते हैं कि आपको क्या क्या मिल सकता है ये वाले बॉक्स में से. ओके, चलिए आई एम ओपनिंग इट. ओके, सो बेसिकली इसमें से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक गन तो कन्फर्म है जो आपको मिलनी है. ओके, एक मिली वेपन भी कन्फर्म है जो आपको मिलनी है. ठीक है, इंजन पार्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आप अगर चॉपर, अगर आप बिगिनर हो, आप चॉपर बना रहे हो, तो ये इंजन पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, खाना इट्स ओके, यू कैन टेक इट, और एक्चुअली मैं नहीं लूँगा कुछ भी, मुझे नहीं लेना है बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल खाने की. मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि क्या क्या आपको मिल सकता है अगर आप बिगिनर लेवल के प्लेयर हो तो. ओके, मेड किट ले लेता हूँ बिकॉज इट इज़ ऑलवेज यूजफुल. बैंडेजेस भी ले लेता हूँ बिकॉज इट इज़ ऑलवेज यूजफुल. पेट्रोल टैंक, अगर आपकी चॉपर रेडी है तो ये पेट्रोल टैंक आप अभी से जमा करना चालू कर दीजिए, बिकॉज आपका जब चॉपर रेडी हो जाएगा तब ये आपको जो ये टैंक है वो काफ़ी काम में आने वाला है. बिकॉज जब आपके एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाती है, सो आपको ट्रैवल करने के लिए ये लोकेशन से या दूसरे लोकेशन पे जाना होगा अगर, तो आपको पेट्रोल टैंक ज़रूर लगेंगे. तो बेसिकली आप गैस कैंस कलेक्ट कर सकते हैं. ये जो है पेंट भी आप कलेक्ट कर लीजिए. ब्लैक पेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है
तो ब्लैक पेंट से जो चॉपर के जो आपको पार्ट्स मिलते हैं या आप बोलेंगे ब्लूप्रिंट मिलते हैं, तो उसको आप कलर कर सकते हैं, आपके चॉपर को कलरफुल बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने चॉपर को बनाया है ब्लूप्रिंट यूज करके। ओके, अब जो पहला जो क्रेट है उसमें बेसिकली आपको एक बेसिक सेट तो मिलना ही है कपड़ों का। ओके, जैकेट पैंट और यू नो बेसिक सेट आपको मिलना ही है इसमें, तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी कॉइन्स जो है ये मैं बताऊंगा, कॉइन्स आप कलेक्ट कर लीजिए, ये मेरे अगले कहीं कुछ वीडियोस में आ सकता है कि कॉइन्स कहाँ पे यूज़ करना है। मैं मेरे कॉइन्स ले जाऊंगा और जैकपॉट में क्या क्या मिलता है मैं शायद आपको बता दूं क्या क्या मिल सकता है आपको जैकपॉट में, बिकॉज उसमें एटीवी पार्ट्स काफ़ी मिलते हैं, तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बॉक्स की तरफ, वहाँ हमें क्या क्या मिल सकता है मैं वो बता देता हूँ। सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओ माई गॉड, तो जो जैकपॉट है वो तो ये है, ये वाली जो चीज़ है टाकी जो आपके चॉपर में लगती है, ये सारे जो न्यू गेमर्स हैं या न्यू बिगिनर जो स्टार्ट कर रहे हैं एलडीओई खेलना, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये। ओके, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो आपको लेना ही है। ठीक है, बाकी मैंने कहा था इंजन पार्ट्स आपको मिलने हैं, फिर एक गन। अभी जैसे हमें फर्स्ट क्रेट में क्या मिला था, एक ग्लॉक मिली थी और एक मिली वेपन मिला था, इसमें हमें दो गन्स मिली है जो कि थोड़ी सी अपर लेवल की है, जैसे एक AKM मिल गई हमें और एक मिनी गन मिल गई है, एक्चुअली मिनी गन नहीं है, इसको हम पूजी बोल सकते हैं या जो भी है फास्ट चलने वाली गन जो फास्ट मारती है। अभी देखिए यहाँ पे हमें अगर आप देखेंगे तो ब्लैक पेंट फिर से मिली है और एक सेकेंडरी पेंट भी हमें मिली है, सो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो मैंने इसको यहाँ पेस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है जहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट है, तो ये तीन चीज़ें जो है 1, 2, 3 ये मैंने फर्स्ट बॉक्स में से कलेक्ट की है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और सेकंड बॉक्स में से मैंने ये कलेक्ट कर लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेडकिट्स आर ऑलवेज वेलकम, बैंडेजेस आर ऑलवेज वेलकम, गैस कैन आर ऑलवेज वेलकम। ओके, आप ये वाले भी ले सकते हैं, बट मैं ये नहीं लूँगा बिकॉज मेरे पास काफ़ी पड़े हैं मेरे बेस पे। सो बाकी अगर आप बैग खाली लेके आए हो तो आप शायद पूरा ले जाओ, कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ जैसे हमने सेकंड सेट खोला, राइट, सेकंड बॉक्स खोला, इसमें हमें और एक सेट मिला है विच इज़ आर मिलिट्री सेट। ओके, सो ये भी आप ले सकते हो अगर आप न्यू गेमर हो या न्यू बिगिनर हो इन लास्ट डे ऑन अर्थ। सो ये सेट बहुत ही काम की चीज़ है, बिकॉज अगली बार जब आप बंकर अल्फा क्लियर करने आओगे तो ये सेट आपको काफ़ी काम में आने वाला है। ओके, सो आप ये ले सकते हो, मैं नहीं लूँगा अभी बिकॉज ये वीडियो जस्ट आपको शो करने के लिए कि क्या क्या हमें बंकर अल्फा के बॉक्सेस में से मिल सकते हैं। ओके, अब ये है हमारा ब्लूप्रिंट, अभी ये ऑलरेडी शायद मेरे पास है ब्लूप्रिंट, इसीलिए ये यूज़ बटन जो है यहाँ पे, ये वाला जो यूज़ बटन है ये एक्टिव नहीं है, तो इसीलिए बिकॉज ये शायद मेरे पास ऑलरेडी होगी ये वाले चॉपर की ब्लूप्रिंट, सो वो भी मैं नहीं लूँगा। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। सो नेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा वो काफ़ी पावर पैक बॉक्स होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे सबसे पहली चीज़ आपको इसमें तो मॉडेड गन्स मिल गई। ठीक है, जैसे ये एक शॉट गन मिल गई आपको, दो ग्लॉक मिल गई जिसमें से एक मॉडेड ग्लॉक है। ओके, जो कि थोड़ा पावर उसका ज़्यादा होता है, जब आप शूट करेंगे तो आपको पता चलेगा, शायद ये वन डॉट है तो इसमें शायद साइलेंसर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसे इक्विप करने के बाद ही हमें पता चल सकता है कि उसमें क्या है। ठीक है, आज मेरा शायद लक काफ़ी अच्छा चल रहा है, बिकॉज जब मैं स्टार्ट कर रहा था गेम तो मुझे कभी दो गैस टैंक नहीं मिले, कभी नहीं मिले गाइस, कभी नहीं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कभी नहीं मिले, और मेरा नया सीरीज भी आने वाला है तो तभी भी हम एक्सप्लोर करेंगे ये बॉक्सेस एंड देखेंगे कि क्या पता मुझे गैस टैंक तभी मिल जाए। ओके, सो ये दूसरी गैस टैंक भी मैं ले लेता हूँ, बिकॉज गैस टैंक्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये गैस टैंक आप गराज लेके जा सकते हो, अपने नहीं, वो जो अपग्रेड वाली गराज है वहाँ आप ये लेके जा सकते हो और उनको दोगे आप ये गैस टैंक तो आपका बाइक अपग्रेड हो सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे अगेन इंजन पार्ट मिला है, सो बेसिकली तीनों बॉक्स खोलने के बाद मुझे 4 इंजन पार्ट्स मिले हैं। ओके, ये वाला ब्लूप्रिंट अगेन आई गेस मेरे पास होगा, इसीलिए ये यूज वाला बटन एक्टिव नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको दो मिलिट्री सेट मिले हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सो ये बेसिकली दो मिलिट्री सेट मिल गया है, 7 ब्लू पेंट्स मिल गए हैं मुझे। ठीक है,
और ये एसिड मिल चुका है जो कि न्यूली अभी जो अपग्रेड आया है वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा मेडकिट्स ऑलवेज वेलकम एंड बैंडेजेस। ओके, सो इसमें से मैं अभी कुछ नहीं लूंगा, गैस कैन मैं ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पता नहीं मेरे बंदे को भूख लग गई, तो चलो 16-16 हो गया तो हम थोड़ा खा लेते हैं, खा और पी भी लेते हैं। ठीक है, सो एम्प्टी बॉटल में डिलीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी है मेरे पास। हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी चलेंगे पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, पुलिस डिपार्टमेंट जाने के बाद में हम वहाँ के जो टिकट्स मैं लेके आया हूँ, सॉरी बैजेस जो लेके आया हूँ, हम वो ओपन करेंगे। ठीक है, वो ओपन करने बाद में वहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या क्या वहाँ पे हमें चीज़ें मिल सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं चुटकी बजा के पुलिस स्टेशन। तो गाइस हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ से हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खोलते हैं। और भाई कैसे हो? चलो इसे भी हम हाई कर देते हैं, ये हमें हाई कर रहा है, तो हाय बंधु, तुम अभी फ़िलहाल तो मेरे काम के हो नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ क्या करूँगा ना, मैं एक्चुअली ऑरेंज टिकट लाना भूल गया हूँ, ऑरेंज पास। तो हम क्या करेंगे, एक आध जॉम्बी मार लेंगे यहाँ पे। ओके, जिससे हमें शायद एक आध टिकट्स मिल जाए, तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि वो टिकट खोलने से भी क्या मिलता है। ये उठना भाई, ये उठता क्यों नहीं है? ओके, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है क्लियरिंग दी ब्लैकबोर्ड पीडी, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि वो वीडियो में मैंने किस तरह ब्लैकबोर्ड पीडी क्लियर किया है। ठीक है, अभी हम एक एक करके बॉक्सेस खोलेंगे। सबसे पहला बॉक्स मैं खोलूँगा, ओके, जो कि है हमारा ब्राउन कार्ड। दूसरा बॉक्स जो मैं खोलूंगा वो है हमारा पर्पल, ब्लू और ग्रीन। ओके, रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ब्राउन बॉक्स जो है उसकी रैंकिंग सबसे कम है, फिर ग्रीन बॉक्स, फिर ब्लू बॉक्स, फिर पर्पल बॉक्स। ओके, ये साइज में भी अगर आपको दिखेगा तो फर्क दिख जाएगा, ये जैसे ये अमेजोन वाले जैसे पार्सल देते हैं वैसा पार्सल लग रहा है ये। ओके, बाकी ये तीन बॉक्स हम बैक टू बैक खोलेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं जो हमारा लो लेवल का बॉक्स है वो खोलने, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या मिल रहा है। ओके, लेट मी ओपन। इसमें एक बेसिक चीज़ आपको मिलेगी जो कि है एक मिली वेपन। ओके, एक आपको बैंडेज, सॉरी मेडकिट मिल जाएगी जो कि मैंने जैसे बताया आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप बिगिनर लेवल के प्लेयर हो तो खाना कहीं पर भी मत छोड़िए, बिकॉज खाना कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में, और आप अगर स्टाफ कर रहे हो तो आप मर भी सकते हो, और अगर आप कोई फार्मिंग जोन में हो तो आपका सामान वहीं पे छूट सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये एक टेप और ग्लू, टेप और ग्लू आप ले लीजिए, बिकॉज आगे जो वेपन मॉड्स और वगैरह जहाँ पर आपको काम आने वाले हैं बेयरिंग्स और ये काफ़ी यूज़ में आने वाले हैं। तो आप अगर बिगिनर प्लेयर हो सो प्लीज़ ये वाली चीज़ें भी आप कलेक्ट कर लीजिए। एक्चुअली मैं बोलूँगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट डे ऑनर, तो हर एक चीज़ कलेक्ट कीजिए, हर एक चीज़। वैसे भी मेरा एक सीरीज़ आने वाला है लास्ट डे ऑन अर्थ का, जो कि मैं मेरे सेकेंड अकाउंट बना के वहाँ से खेलने वाला हूँ स्टार्टिंग से। अभी तो फ़िलहाल मेरा 209 का लेवल है, तो मैं अभी आगे नहीं खेलूँगा। इसमें से मैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने वाला हूँ ये वाले अकाउंट से, और जो मेरा नया सीरीज़ आने वाला है उसमें मैं हमारा लाइक स्टार्टिंग से मैं खेलने वाला हूँ, तो उसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो जो भी बिगिनर लेवल के प्लेयर्स हैं उसमें से आप टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो मेरे वीडियोस से, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ उसमें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हम सेकेंड बॉक्स पर्पल नहीं खोलेंगे, वो सरप्राइज़ है तो वो लास्ट में खोलेंगे। हम आ जाते हैं ग्रीन बॉक्स की ओर। ग्रीन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक मॉड का ब्लूप्रिंट मिला है। ये शॉटगन का ब्लूप्रिंट है। अभी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ओके, तो ये यूज़ बटन जो है, ये वाला यूज़ बटन, वो हाईलाइट नहीं है, बिकॉज मेरे पास शायद वो ऑलरेडी मॉड होगी। तो मैं, आप कलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज अगर स्टार्टिंग है तो आपको वो ज़रूरत है वो। ओके, नाउ इसमें अगर आप देखेंगे तो मेडकिट, ओके, ऑलवेज वेलकम, जैसे मैंने बताया, एक मिली वेपन मिला है और ये एक वेपन क्रेट मिला है। तो हम क्या करेंगे, वेपन क्रेट को खोलेंगे,
और आपको बताएंगे कि वेपन क्रेट में भी आपको कौन से हथियार मिल सकते हैं, मोस्टली ये वाले में से क्या मिल सकता है आपको। ओके नाउ ये जो है ये एल्यूमिनियम प्लेट है जो कि काफी यूजफुल है आगे, अगर आप जब गेम में प्रोग्रेस करेंगे तो एल्यूमिनियम प्लेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप ले लीजिए। जैसे मैंने बताया प्लास्टिक पार्ट्स, ग्लू, और आपको एक्चुअली सारी चीजें लेनी है। ये जो कैमरा है ये आप ले सकते हो, जैसे ही आपका रिसाइकलर बन जाएगा तो आप ये कैमरा को उसके अंदर डाल के उससे आप दूसरे जो भी बेसिक चीजें जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हो। ओके बैट मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं, अगर ये मॉडेड बैट होती तो मैं शायद ले लेता, बट अभी फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला मैं यहाँ लेता हूँ और इसे यूज़ करता हूँ। सो बेसिकली मुझे एक स्टील पाइप मिली है जो कि काफ़ी काम की है, स्टील पाइप का डैमेज काफ़ी है अगर आप देखेंगे तो, एज कम्पेयर टू दी बैट इसका डैमेज 26 है और 1.3 का स्पीड है, बैट का डैमेज 20 है एंड 1 का स्पीड है। सो स्टील पाइप is always better than the bat. Okay, अगर आप इसका डैमेज देखेंगे so 18 है and 1.1 का स्पीड है। Okay, तो मैं इसे वापस रख देता हूँ बिकॉज मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया अगर ये मॉडेड होते, जैसे ये वाला अगर मॉडेड होता या ये वाला मॉडेड होता तो मैं शायद ले लेता। ओके बट अभी फ़िलहाल मैं नहीं लूँगा। ऑलराइट सो आगे बढ़ते हैं ब्लू बॉक्स की ओर, ब्लू बॉक्स में हमें क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ओके इसमें अगेन ब्लूप्रिंट मिली। ओके देखिए ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यूज़ बटन एक्टिव हो गया, मतलब ये वाला जो मॉड है वो मेरे पास नहीं है। चलिए खोलते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। बट ये जो गन है विंचेस्टर है, ओके काफ़ी पुरानी गन है तो ये हम यूज़ भी नहीं करते। अगर आपको ये गन मिल जाए कहीं सो देख लेना, यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ तो मिला है न्यू वेपन मॉड, ये आई गेस वो स्टॉक जैसा दिख रहा है मुझे, तो स्टॉक था वो एक्चुअली। ठीक है सो जैसे आप ब्लू खोलेंगे सो इसमें आपको दो गन तो शॉर्ट शॉट मिलनी है, एक शॉर्ट गन मिल गई और एक ग्लॉक मिल गई। ओके दोनों मॉडेड नहीं है, सो बिगिनर लेवल पे आपको गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्ट करना। ऐसे ही मैंने काफ़ी बार पुलिस स्टेशन क्लियर कर करके मैंने रैक फुल ऑफ गन्स, रैक फुल ऑफ यू नो इक्विपमेंट्स एंड रैक फुल ऑफ कपड़े, सारी चीज़ें जमा की है। ठीक है और जो भी चीज़ें मैंने जैसे जैसे मैं जमा करते गया और वैसे वैसे मैंने वेपन्स को मॉड करके पूरा स्टैक मैंने भर दिया। सो आपको कभी मैं मेरे बेस का टूर दूंगा, आई गेस मेरे फर्स्ट वीडियो में है थोड़ा बहुत मैंने मेरे बेस का टूर दिया है। ओके सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चेकआउट करना हो सो आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इंट्रो वीडियो में मेरा थोड़ा सा बेस दिखाया था बेसिकली, सो आपको मज़ा आ जाएगा उसमें देख के। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अभी जाते हैं जैसे मेडकिट्स ऑलवेज वेलकम, ग्लू, फ़ोन। ओके फ़ोन पे आ जाते हैं गाइस। फ़ोन जो है अगेन इट्स अ डिवाइस जो आप रिसाइकलर में डाल के उससे आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे फ़ोन कुछ काम का नहीं है, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, आप किसी दोस्त को कॉल नहीं कर सकते या किसी फेलो प्लेयर को कॉल नहीं कर सकते। ये सिर्फ टूटी फूटी एक फ़ोन है जो कि आप रिसाइकलर में डाल के उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो चीज़ें। ओके इसमें जैसे ब्लू बॉक्स में अगर आप देखेंगे, जैसे हमें मिलिट्री सेट मिला था अल्फा के सेकेंड बॉक्स में जो कि येलो बॉक्स में, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक मिलिट्री सेट मिल चुका है। सो ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर आपने बंकर अल्फा हर दो दिन में क्लियर किया और ब्लैकबोर्ड पीडी हर दो दिन में क्लियर किया तो आपके पास कम से कम एक महीने में काफ़ी सारे सेट्स और काफ़ी सारे यू नो गन्स जमा हो जाएंगे। सो जैसे मैं बता रहा था मैंने भी ऐसे ही जमा किया है, मैं लगभग 2 साल के ऊपर खेल रहा हूँ सो उतना तो जमा होना ही था। सो अगर आप भी रेगुलर प्लेयर बनना चाहते हैं और रेगुलर खेलते हैं, डेली खेलते हैं अगर लाइक 2-3 घंटा या 4 घंटा वॉट एवर जब भी आपको टाइम मिले, ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में तो गेम्स आप खेलिए आपके फ़न के लिए खेलिए, बट अगर उतना देर अगर आप खेलते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट आपको मिल जाएगा। मैं तो क्या बताऊँ गाइस, काफ़ी एडिक्ट हो गया था ये गेम में, तो इसके वजह से इतना एडिक्ट हो गया था कि मैं कंटिन्यू काफ़ी खेल रहा था। अभी फ़िलहाल आई गेस मतलब मैं 2 साल खेला हूँ, कंटिन्यू खेला हूँ, बट अभी लास्ट 6-8 महीने से मैंने खेला नहीं है। सो अभी वीडियो पर्पज़ के लिए मैं वापस खेलना स्टार्ट किया हूँ और मुझे फिर से जो मज़ा आ रहा था उस वक्त अभी फिर से मज़ा आना चालू हो गया है। सो आगे बढ़ते हैं। सो पेंट अगेन ब्लैक पेंट ले लेता हूँ मैं, प्लास्टिक एल्यूमिनियम शीट सॉरी एल्यूमिनियम प्लेट जैसे मैंने आपको बोली बहुत काम की चीज़ है तो वो ले लीजिए। ठीक है ग्लू ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे स्टार्टिंग लेवल में आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो
जब आप बेस बनाएंगे, सो बेस में आप काफ़ी सारी बॉक्सेस बना लीजिए, बिकॉज बॉक्सेस में क्या होता है, आपको सामान रखने, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, बॉक्सेस आप बनाते रहते हो और सामान इतना इकट्ठा हो जाता है खेल खेल के कि आपके पास जगह ही नहीं होती आपके बेस में। तो आई वुड रेकमेंड गाइस, प्लीज़ जो भी आपके बॉक्सेस है वो ऑर्गेनाइज कीजिए, गेम्स को आगे प्रोग्रेस करते रहिए और बॉक्सेस बनाते रहिए। जैसे जैसे आप बॉक्सेस बनाओगे उस हिसाब से आप क्या बोलते हैं, आपके जो चीज़ें हैं वो उसमें स्टोर करते रहिए और बाइफर्केट कर दीजिए। जैसे आपने अगर स्टोन रखा है एक में, तो स्टोन आप दूसरे में मत रखिए, मतलब अगर भर गया तो इट्स ओके, बट स्टोन वुड एक में रखिए। देन वुड से बनता है प्लैंक, तो प्लैंक आप एक में रख सकते हो, और स्टोन से बनता है ब्रिक, तो ब्रिक को आप एक बॉक्स में रख सकते हो। ठीक है, जैसे आयन ओर अगर आप फार्म करते हो कोई भी स्टोन वाली जगह, तो वहाँ पे आपको आयन ओर मिलता है, तो आयन ओर से आप फर्नेस में डाल के उसका आयन बार्स बनाते हो, तो वो आयन बार्स को जो है आप बेसिकली उसको और आयन ओर को साथ में रख सकते हो। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो ऐसे आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो अपने बेस के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं हमारे जैकपॉट पर्पल क्रेट पर्पल बॉक्स के तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मिल रहा है। ओके सो इसमें देखिए, अभी ऑब्वियसली हम पुलिस डिपार्टमेंट में है, राइट? सो मिलिट्री सेट से ऊपर हायर लेवल पे पुलिस का सेट होता है, जो कि ये है हमारा। ओके सो अगर आप देखेंगे तो ये चार, मतलब सॉरी, हेलमेट, वेस्ट, पैंट और शूज, ये आपको चारों चीज़ें मिल जाती है। सो बेसिकली फुल सेट आपको मिल गई है। ओके सो आप अगर देखेंगे पुलिस स्टेशन कंप्लीट करने के बाद में कितने बॉक्सेस या कितने वो मिलते हैं, वो भी मैं किसी वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ में। बट फिलहाल तो आपको इंटेंशन है ये वाले वीडियो में दिखाने का कि क्या क्या मिल सकता है आपको, जब आप बॉक्सेस खोलेंगे इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ओके सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो बॉक्स है लास्ट वाला, जैसे मैंने बताया, इसमें आपको चार गन्स मिल रही है, उसमें दो मिली थी, इसमें चार गन्स मिल रही है। ओके सो ये वाली मैं रख लूँगा, बिकॉज मॉडेड है, मुझे मॉडेड गन्स काफ़ी पसंद है। फ्लेयर गन में मैं रख लेता हूँ, बिकॉज काफ़ी काम की है फ्लेयर गन। अभी ये वाला हम देखते हैं कि ये मेरे पास है कि नहीं। ओके, आई गेस ये वाली मेरे पास है, नहीं तो ये वाला जो यूज़ बटन है वो चमकता, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सो अभी ये मेडकिट मैंने ले ली, शॉटगन के भी जगह है मैं ले लेता हूँ, ग्लॉक मैं नहीं लूँगा, सो इट्स ओके, बाद में जाके मैं ले लूँगा कभी अगर मुझे मूड हुआ लेने का। तो ब्लू पेंट भी मैं ले लेता हूँ। और एक बात बता दूँ गाइस, जो पेंट है वो और भी जगह काम आती है। जैसे पेंट अगर आप देखोगे तो आपके जो बॉक्सेस होते हैं घर पे, ओके सो आप बॉक्सेस को भी पेंट कर सकते हो। ओके सो बॉक्सेस को भी आप कलर कोड डाल के, या मतलब जो भी है पेंट अगर आपके पास है, तो आप कलर्स के हिसाब से उसको बाइफर्केट कर सकते हो। जैसे आपके पत्थर रखे हैं, या पत्थर जैसे वाइट होता है लास्ट डे ऑन अर्थ में, तो आप उसको वाइट पेंट कर सकते हो, और आयन जैसे ब्लैक होता है तो आप उसको ब्लैक पेंट कर सकते हो। बाकी ये जैसे प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, गन्स हो गए, ग्लू हो गए, मिसेलेनियस आइटम जो होते हैं उसको आप चाहिए तो ब्लू पेंट कर सकते हो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे आपको लगता है ठीक। आप जैसे भी ऑर्गेनाइज करते हो आप अपने बॉक्सेस को, उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो चलते हैं गाइस। और आगे बोनस के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप फार्म क्लियर करते हो तो फार्म में क्या मिलता है। ठीक है, तो फार्म का वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को फॉर लास्ट डे ऑन अर्थ अमेजिंग फन, और आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।